I hope you guys can see the screen. Yes. आज हमने जो सा लेक्चर करना है, that is bone tumors. और bone tumors के अंदर कुछ tumors ज़्यादा important हैं, जिनको मैं कहूँगा ज़्यादा important हैं, आपको mark कर लीजिएगा अपने mind में, उनसे आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है? तो पहले आप tumors देख लो कि bone के tumors किस तरह के होते हैं. एक तो benign होंगे, एक malignant होंगे, और फिर ट्यूमर होता कहाँ पे? अब बोन के आसपास बहुत सारी चीजें हैं. बोन के अंदर बोन मैरो है जहाँ पे ब्लड के सेल्स बनते हैं, और वो हेमाटोपोइसिस होते हैं जहाँ पे, वहाँ का हेमाटोपोइटिक जो मेलेग्नेंट ट्यूमर है, बिना बिनाइन नहीं होता, मेलेग्नेंट होता है, वो माइलोमा होता है, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा जिसका नाम है, ठीक है. इसके अलावा मेलेग्नेंट लिम्फोमास होते हैं काफी सारे. ये ब्लड के ट्यूमर्स भी कंसिडर किए जाते हैं, ब्लड और बोन्स की ओवरलैपिंग ट्यूमर है, क्योंकि बोन्स का रोल होता है ब्लड के फॉर्मेशन में, ठीक है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में. फिर कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो का वर्ड जहाँ भी आएगा इसका मतलब है कार्टिलेज. सो बोन के पास कार्टिलेज होती है, तो कार्टिलेज रिलेटेड ट्यूमर्स भी इसके अंदर हम देखेंगे. कॉन्ड्रोजेनिक, उसके अंदर ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, कॉन्ड्रो मिक्सॉइड फाइब्रोमा. फिर उसके अलावा मेलिग्नेंट में कॉन्ड्रोसार्कोमा. अच्छा, खाली ओमा 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 जो है वो बिनाइन में आता है, सार्कोमा 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 मेलिग्नेंट बन जाते हैं. तो ये याद रखिएगा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, डी डिफ्रेंशिएटेड कॉन्ड्रो या मेसेनकाइमल कॉन्ड्रो, या आगे इसकी दोनों टाइप्स है कॉन्ड्रोसार्कोमा की. एंड फिर बोन की, बोन से रिलेटेड ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोसार्कोमा, या ऑस्टियोब्लास्टोमा इज अनदर बिनाइन ट्यूमर ऑफ द बोन्स. अननोन ओरिजिन, यानी बोन भी हो सकती है, बोन के इर्द-गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं वो भी हो सकते हैं, तो उसका जॉइंट सेल ट्यूमर है, और वो बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है, एडामेंटिनोमा. फिर इसके अलावा हिस्टियोसिटिक ओरिजिन, जो हिस्टियोसाइट्स का होता है, फाइब्रस उसका ओरिजिन होता है, क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यू और मैक्रोफेजेस से मिलकर बनता है. फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा एंड मैलिग्नेंट, वही वाली टाइप, फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा. फिर फाइब्रोजेनिक, जिसमें फाइबर ज्यादा होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के जो फाइबर वाला पार्ट है वो मेटाफिजियल फाइब्रस डिफेक्ट, फाइब्रोमा जिसे कह सकते हैं, विच इज बिनाइन. फिर डेस्मोब्लास्टिक फाइब्रोमा बिकम्स मेलेग्नेंट, फाइब्रोसार्कोमा, यही अगर बिनाइन मेलेग्नेंट बन जाए तो फाइब्रोसार्कोमा कहलाता है. फिर नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड वो आपकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में बोन बॉडी का वो हिस्सा होता है जिसपे आगे जाके मल्टीपल कॉलम बनती होती है, ठीक है. सो नोटोकॉर्ड का भी ट्यूमर बन सकता है, उसको कॉर्डोमा कहते हैं, ठीक है. सो ये मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन ट्यूमर्स की जो बेसिक आपको प्रिंसिपल बताए हुए हैं कि ओमा और सार्कोमा में डिफरेंस है, ठीक है, और ये मुख्तलिफ रीजन्स का बेस पे डिपेंड करता है कि कौन सा ट्यूमर क्या कहलाएगा. अच्छा, अगेन उसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि बोन कार्टिलेज, फाइब्रस मटेरियल, ये सारी की सारी चीज़ों के बोन ट्यूमर्स हो सकते हैं, जैसे अभी आपको नाम बताएं सबके. और मिसलेनियस ट्यूमर्स भी होते हैं, जिसमें इवन यूइंग सार्कोमा है, मल्टीपल माइलोमा है, जो बोन के अलावा बाकी जगहों पर भी होता है उसका इम्पैक्ट. और फिर इसके अलावा मेटास्टेटिस्टिकल ट्यूमर्स. अब सिर्फ एक तो ये है ना कि बोन का अपना ट्यूमर हो रहा है, एक ट्यूमर होगा जीआई ट्रैक का, वो भी बोन के अंदर आ सकता है. प्रोस्टेट का ट्यूमर है, ब्रेस्ट कैंसर है तो वो बोन का ट्यूमर नहीं, लेकिन वो इवेंचुअली घूम फिर के बोन के अंदर अपना स्प्रेड कर सकता है. तो दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस, और मेटास्टेटिक ट्यूमर भी बोन ट्यूमर्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं. अच्छा, सो इनके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट बोन बोन ट्यूमर्स, यानी कि बोन के अंदर के जो ट्यूमर्स हैं, और बिनाइन बोन ट्यूमर्स, ऑस्टियोमा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, एंड देन द मैलिग्नेंट वन इज ऑस्टियोसार्कोमा, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा. ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा के अंदर रेडियोग्राफिकली और हिस्टोलॉजिकली एक नई बोन बनना शुरू होती है, जिसे कहते हैं नीरस. इसके बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट ऑस्टियोमा. ऑस्टियोमा बिनाइन ट्यूमर है, इट इज अ बोन फॉर्मिंग ट्यूमर. अब ट्यूमर जब भी होता है किसी भी जगह का, तो क्या होता है, वही सेल्स डिफरेंशिएट करते हैं, अनरेगुलेटेड सेल डिफरेंशिएशन या अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से वो चीज़ बड़ी हो जाती है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या चीज़ है जिसकी ट्यूमर बन रहा है, बोन, तो बोन ही बनाएगी. वो बोन अच्छी होगी या नहीं होगी, टूट जाएगी या क्या बनेगी, वो उसके बारे में बात करेंगे. हर ट्यूमर के तो थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन एक्स्ट्रा बोन बनेगी, ठीक है. मिडिल एज में ये ज़्यादा शुरू होता है, ज़्यादातर स्कल पे बनता है, फेस पे सबसे ज़्यादा बनता है, इसके अलावा बाकी जगह बनता है, लेकिन कॉमन जगह जो है वो स्कल और फेस है. तो जब स्कल और फेस पे बनता है, तो वहाँ पे नोज और जो साइनसेस, पैरानेजल साइनसेस होती है, जो खाली जगह होती है इन द स्कल बोन्स, वहाँ पे इम्पैक्ट करना शुरू करता है और ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है उन जगहों को. और फिर इसको रिएक्टिव बोन के साथ डिफ्रेंशिएट करना चाहिए. अब रिएक्टिव बोन क्या होती है, रिएक्टिव बोन वो होती है जहाँ पे नई बोन बन रही हो फॉर वट एवर रीजन, किसी भी डिजीज की वजह से, किसी भी ट्यूमर की वजह से. ऑस्टियोमा और उसके अंदर थोड़ा सा फर्क होता है, विच इज डिफिकल्ट टू डिफ्रेंशिएट. बट अगर आप हिस्टोलॉजिकली उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो अगर आपके अच्छी तरह से पता है कि वो कैसे नजर आता है माइक्रोस्कोप के नीचे, तो बोन बायोप्सी करके जब आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, तो आपको पता चल सकता है कि वो क्या है. सो इसकी जो अपेयरेंस है वो डेंस लेमेलर कॉर्टिकल बोन से बिल्कुल डिफरेंट होती है, आपको साफ नजर आ जाता है कि एक्स्ट्रा बोन बन रही है, ठीक है. जैसे ये आपको बाय में नजर आ रहा है,
फिर आप उसको सीटी स्कैन वगैरह करके भी देख सकते हैं, और फिर उसके अलावा आप इसकी हिस्टोलॉजी करके भी देख सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा. इट इज अगेन अनदर बिनाइन ट्यूमर विच इन्वॉल्व्स एपेंडिकुलर स्केलेटन. पहले तो एक्सियल स्केलेटन यानी फेस और स्कल इन्वॉल्व हो रही थी. ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में पहला डिफरेंस, ऑस्टियोमा और ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा के अंदर पहला डिफरेंस जो है वो रीजन का है, कि कौन से रीजन में, कौन से पार्ट ऑफ स्केलेटन पे ये बन रहा है. फिर ये वो कुछ ट्यूमर है जो कॉर्टेक्स में होते हैं. बोन का बाहर वाला पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट इज नोन एज मेडुला. तो इसके अलावा बोन की और पार्ट्स भी होते हैं जो मेटाफिसिस, एपिफिसिस, डायफिसिस है. तो आपको ये पता होगा कि एपिफिसिस आर नोन एज एंड्स ऑफ द बोन, डायफिसिस इज द शाफ्ट ऑफ द बोन, और मेटाफिसिस, एपिफिसिस और डायफिसिस के बीच में जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे न्यू ग्रोथ हो रही होती है बोन की. लेकिन अडल्ट एज में जाके वहां पे सिर्फ एक छोटी सी लाइन रह जाती है जब ग्रोथ बंद हो जाती है. सो दैट इज मेटाफिसिस पार्ट, ठीक है. ये आपको अपनी जनरल एनाटॉमी के अंदर आपने पढ़ा होगा, मेटाफिसिस, एपिफिसिस और डायफिसिस, ठीक है. अच्छा, एपिडेमियोलॉजी, एपी का वर्ड यहाँ पे नजर आएगा. एपिडेमियोलॉजी का मतलब है कि किन लोगों में होता है. तो इट हैपेंस इन यंग पेशेंट्स जो हु आर ग्रेटर देन 25 इयर्स ओल्ड, सॉरी, हु आर लेस देन 25 इयर्स ओल्ड. आपने देखा होगा ऑस्टियोमा मिडिल एज में हो रहा था, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा यंग में हो रहा है और ज्यादा मेल्स में होता है, 20s में पेशेंट होता है, ठीक है, या टीनेज होगा, ऑब्वियसली लेस देन 25 20s. कॉमन सेंस. रेडियोग्राफी, आपको इमेज कैसी नजर आएगी पिक्चर जब आप इसकी एक्सरे वगैरह करवाएंगे, तो आपको एक नीडस नजर आएगा. नाउ व्हाट इज नीडस? नीडस होता है एक नई बोन बन रही होती है, एक डेंस ओरिजिन होता है बोन का हल्का सा, उसके इर्द गिर्द फिर खाली जगह होती है और जहां पे एक नई बोन बन रही होती है. सो बीच में एक डेंस पार्ट होता है, उसके इर्द गिर्द एक कॉर्टिकल पार्ट होता है जहां पे बोन अभी बन रही होती है, वो थोड़ा ओपेक सा होता है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द स्क्लेरोटिक बोन, मतलब स्क्लेरोसिस का मतलब होता था हार्डनिंग, हार्डनिंग का मतलब जब बोन बन चुकी है तो उसके इर्द गिर्द एक हार्डनिंग वाला पार्ट होता है और वो रिएक्टिव से रिम बन रहा होता है इर्द गिर्द. सो अगर आप देखो, अगर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं व्हाट एन ऑस्टियोमा वुड बी लाइक, ये बीच में एक डेंस पार्ट है, ठीक है, ये बोन है मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये एपिफिजियल एंड्स है, ये डायफिसिस है और यहाँ पे करके मेटाफिसिस होगा. तो ये एक डेंस पार्ट, इसके इर्द गिर्द ओपेक पार्ट होगा एक्सरे के अंदर, और उसके इर्द गिर्द एक रिम होगा गोल सा, सॉरी पूरा गोल नहीं बना, विच इज इंडिकेटिंग स्क्लेरोटिक रिएक्टिव बोन, यानी कि वहां पे वो बोन बनना शुरू हो रही होगी, तो नजर आना शुरू हो जाएगी इर्द गिर्द. तो अगर आप इसको देखें, ये इस तरह से नजर आता है, ठीक है, ये बोन का स्कैन करवाया और ये बीच में ये नीरस है, ये बीच में बोन बन रही है, इर्द गिर्द अभी खाली जगह है और इसके इर्द गिर्द एक रिम बना हुआ है जहाँ पे बन चुकी है. इसी तरह से आपको ये यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा, इसी तरह से बीच में एक डेंस पार्ट है, इर्द गिर्द ओपेक है, उसके इर्द गिर्द रिम है ऑफ द स्क्लेरोटिक बोन. अगेन बेटर व्यूज. ठीक है, सो दिस इज हाउ द नीडस इज लाइक. ठीक है, नीडस का वर्ड जरा याद रखिएगा. और इसके अंदर बोनी रिएक्शन होता है, मतलब ऑब्वियसली नई बोन बन रही होती है, और ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर का होता है नीडस. और क्लिनिकली मतलब साइन सिम्टम्स क्या होंगे, बोन पेन होगी, खासतौर पर रात के टाइम बहुत ज्यादा पेन होगी. और अगर आप बोन पेन किलर्स लेंगे, एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेंगे, तो उससे बहुत अच्छा पेन कंट्रोल हो जाएगी. फिर उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट जो है वो आपको करनी पड़ती है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से, मतलब रेडियो वेव्स के थ्रू. हिस्टोलॉजिकली माइक्रोस्कोप के नीचे या पैथोलॉजी जो इसकी हुई होगी, इमेच्योर बोन लाइक इसके सेल्स नजर आएंगे आपको, फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू होगा, वेसल्स और फाइबर्स वहाँ पे होंगे, एक्टिव ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट मिलेगा आपको नीडस के अंदर, मतलब वहाँ पे नई बोन बन रही है ना, तो इसलिए नो सेलुलर एटीपी एंड माइटोटिक फिगर. माइटोटिक फिगर उस वक्त नजर आती है जब सेल बहुत जल्दी से ग्रो कर रहे हो, ठीक है, और जब आप ट्यूमर की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेल ग्रोथ हो रही है, लेकिन इस ट्यूमर में बहुत ज्यादा नहीं नजर आता और सेल्स जो है वो बहुत अनडिफ्रेंशिएटेड और एटिपिकल सेल्स नहीं नजर आते, विच इज अ फिनोमिनन ऑफ अ वेरी वेरी मेलिग्नेंट ट्यूमर. क्योंकि ये बिनाइन है तो इसके अंदर ज्यादातर एटिपिया नहीं होता और ज्यादा माइटोटिक फिगर्स नजर नहीं आते, ठीक है. सो ये जो रेड रेड पार्ट आपको नजर आता है माइक्रोस्कोप के नीचे, अगर आप हिमाटॉक्सिन और इयोसिनोफिल के साथ स्टेन करें, एक्सक्यूज मी, तो आपको ये रेड रेड पार्ट यहाँ पे नजर आएगा, इट मींस कि यहाँ पे वेसल्स आ रही है, ठीक है, बाकी तो पिंक होगा पार्ट, ठीक है. सो ये जो आपको बताया था कि फाइब्रो वेस्कुलर टिश्यू है, तो वेसल्स और फाइबर्स और इमेच्योर सेल्स ये नजर आएंगे. नीडस को पार्ट को देखोगे तो उसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियो क्लास्ट नजर आएंगे, ठीक है. सो दिस इज द नीडस.
अच्छा अब हम बात करते हैं ऑस्टियोब्लास्टोमा की. इट इज एन अनकॉमन ट्यूमर, अगेन बिनाइन ट्यूमर है, एक्सियल स्केलेटल में होता है, स्पाइन वगैरह में, और ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा की तरह इसके क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं. ये एस्पिरिन से ठीक नहीं होता. इसको अगर आप एक्सरे के नीचे देखो, कोई नीडल्स नहीं नजर आएगा, कोई बोनी रिएक्शन नहीं आएगा. लीजंस आर लिटिक, ठीक है, विद अ रिम ऑफ रिएक्टिव स्क्लेरोसिस. अब लिटिक का मतलब क्या होता है? देयर आर टू वर्ड्स दैट यू आर गोना हियर इन द लेक्चर. इस लेक्चर में जब भी आप बोन ट्यूमर्स की बात करेंगे, कहीं पे भी जिंदगी में देखेंगे, तो दो किस्म के आपको वर्ड सुनने को मिलेंगे, एक लिटिक बोन लीजंस और एक ब्लास्टिक लीजंस. लिटिक का मतलब होगा लाइसिस से निकला हुआ, कि वो कट रहा है, वहां से वो खत्म हो रही है, बोन खाई जा रही है. और ब्लास्टिक का मतलब होता है होगा कि बोन बनाई जा रही है. सो लिटिक बोन लीजन वर्सेस ब्लास्टिक बोन लीजन. लिटिक का मतलब होगा बोन खाई जा रही है, ब्लास्टिक का मतलब होगा कि बोन बनाई जा रही है. ठीक है, सो लिटिक बोन लीजन का मतलब क्या होगा कि बोन खाली होगी और इर्द गिर्द जो है एक रिम सा होगा, जो उसका रिएक्टिव मतलब जहां से खाई जाती है उसके इर्द गिर्द बोन जहां से खाई जा रही है उसके इर्द गिर्द बोन उसके रिएक्शन में बन भी रही होती है ऑस्टियोब्लास्ट के थ्रू. ठीक है, सो ये बात बताने की कोशिश की भी है इसने इस लाइन में. अच्छा, टेंड टू बी एक्सपेंसाइल मतलब ये फैलता जाता है और इसके अंदर कभी कभार इंटरनली कैल्शियम भी मौजूद होती है, इंटरनल कैल्सिफिकेशन भी हो रही होती है. इस पिक्चर में आपको ये लिटिक बोन लीजन है, ये लिटिक है मतलब यहाँ से बोन खाई गई है. ठीक है, उसके इर्द गिर्द रिम है या आपको नजर आ रहा है रात कि यहाँ पे इतने एरिया में ऑस्टियोब्लास्टोमा हो रहा है. ठीक है, अगेन चूंकि स्पाइन पे होता है ज्यादातर आपको वर्टिब्रल कॉलम के अंदर नजर आएगा, या मिसाल के तौर पर यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी पे आपको लिटिक बोन लीजन नजर आ रही है. सो आप ऑस्टियोब्लास्टोमा और ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में कैसे फर्क कर सकते हैं? एक तो तीन चार चीजों से आप फर्क कर सकते हैं. एक तो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा ज्यादा कॉमन होता है, ऑस्टियोब्लास्टोमा रेयर है. ठीक है, और ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा तकरीबन जितने लोगों को बिनाइन बोन ट्यूमर्स होते हैं उनमें से 10% को होता है. लोकेशन की बेस पे ऑस्टियोब्लास्टोमा स्पाइन में है, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा फीमेल वगैरह में. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेन नहीं होती इसमें, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में बहुत पेन होती है खासतौर पर रात को. साइज अगर देखो आप एक्सरे में तो 2 सेंटीमीटर से बड़ा होगा ऑस्टियोब्लास्टोमा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा 2 सेंटीमीटर से कम होगा, और इसके अंदर पेरीफोकल ऑसियस रिएक्शन यानी कि जो इर्द गिर्द बोन बन रही है वो ज्यादा होगी. वहां पर लिटिक बोन लाइसिस के इर्द गिर्द बोन जो है वो ज्यादा होगी, लेकिन ऑस्टियोब्लास्टोमा में नहीं होगी. हिस्टोलॉजिकली अगर आप देखो तो ऑस्टियो ट्रेबिकुलर विद डिसकंटीन्यूअस एंड इररेगुलर बोन फॉर्मेशन. ट्रेबिकुले इज अ पार्ट ऑफ स्पॉन्जी बोन जिसके अंदर ऑस्टियोइड एक्सप्रेशन फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स और ऑस्टियोसाइट्स है बोन की वो अरेंज हुई होती है, उसको ट्रेबिकुला कहते हैं उस फ्रेमवर्क को. अब वो उस फ्रेमवर्क में बोन फॉर्मेशन रेगुलर नहीं हो रही होगी, डिसकंटिन्यूस होगी, कहीं पे हो रही है कहीं पे नहीं हो रही. ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में ऑन द अदर हैंड रेगुलर फॉर्मेशन हो रही होगी. इसके अंदर फाइब्रस स्ट्रोमल रिएक्शन यानी कि जो इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू है वो ज्यादा बन रहा होगा बोन का. यहाँ पे बोन का कनेक्टिव टिश्यू कम बन रहा होगा, ये बोन का जो सख्त पार्ट है वो ज्यादा बन रहा होगा. फिर इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोब्लास्टिक जॉइंट सेल्स है, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्टिक जॉइंट सेल्स नजर आने शुरू होंगे जिनके अंदर बहुत न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं. यहाँ पे वो सेल्स ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में रेयर होंगे. ठीक है, सो ये डिफरेंशिएट करने का तरीका है. मेनली आपसे ये डिफरेंस कम पूछा जाएगा, आपसे ज्यादा डिफरेंस बिनाइन और मेलिग्नेंट के बीच में पूछा जाएगा. नाउ दिस इज द मेलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि ऑस्टियोसार्कोमा या ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा. ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है, लेट टीन्स में होता है, नीज पे और मेटाफिजियल पोर्शन ऑफ द बोन पे ज्यादा होता है, एंड इट्स वेरी पेनफुल. अब ये पेन और लोकेशन ये दो चीजें अच्छी तरह से अगर आपको पता हो तो आपके लिए ये डिफरेंशिएट करना ईजी हो जाएगा पेन और लोकेशन की तरह से. नाउ ऑस्टियोसार्कोमा which is also known as osteogenic sarcoma is a malignant neoplasm. ठीक है, इसका mesenchymal origin है और osteoblast differentiation होती है इसके अंदर. अब metaphysis में होता है knee के आसपास अक्सर, location अगर आप देख लो epidemiologically teens में ज्यादा है, elders फिर उसके बाद biphasic distribution है, मतलब पहले teens में होता है फिर उसके बाद old age वाले लोगों में होता है. second most common malignant tumor है पूरे tumors के अंदर. और risk factors क्या है? Leaf Romani syndrome is a syndrome जिसके अंदर इंसान को बहुत सारे कैंसर इकट्ठे होते हैं, ये फैमिली के अंदर चलता होता है. ठीक है, फिर फेमिनियल रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिना का ट्यूमर है. फिर बोन इंजरी हो, कोई इन्फार्क्शन हो बोन की और रेडिएशन इंजरी हो जो अक्सर बहुत ज्यादा एक्सरेज और गामा रेज वगैरह के बाद हो जाती है. फिर पेजर्स डिजीज ऑफ बोन यानी कि बोन का पेजर्स डिजीज ऑफ बोन का मतलब क्या है, आपने पढ़ी हुई है ये बीमारी रात के टाइम पे, रेस्ट के टाइम पे भी पेन हो रही होगी बोन के अंदर.
ठीक है, और स्वेलिंग होती है वहां पे ऑब्वियसली बड़ा होता जाता है वो, सॉफ्ट टिश्यू मैस भी बड़ा होता जाता है, और फिर उसकी वजह से जब वो एक अजीब सी स्वेलिंग बन जाती है नी के अंदर, फिर चला भी नहीं जाता सही तरह से, तो लिम्पिंग गेट हो जाती है। और अगर आप लैब रिपोर्ट्स देखेंगे तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज हाई हुआ होगा। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या नजर आएगा, आपको एक्सरेज के ऊपर सन बर्स्ट पैटर्न नजर आएगा। सन बर्स्ट पैटर्न क्या होता है, जिस तरह सन रेज नहीं होती, सन रेज जैसे होती है मिसाल के तौर पे, ये पैटर्न्स बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा आपकी हिस्टोलॉजी के लिए, ये आपको पता होने चाहिए पैटर्न्स, ठीक है। पैथोलॉजी में यही तो पता होता है, इसी से तो डायग्नोज होता है, जैसे सूरज की किरणें नहीं आ रही होती, इस तरह से इसको सन बर्स्ट पैटर्न कहते हैं, ठीक है। ये सन बर्स्ट क्यों होता है, ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि कहीं पे बोन बन रही होती है, कहीं पे खत्म हो रही होती है, कहीं पे बन रही होती है, कहीं पे नहीं बन रही होती, तो ये जहाँ बन रही होती है वहां पे ये सूरज की किरण बन जाती है, जहाँ पे नहीं बन रही होती वहां पे खत्म हो जाती है। सो दैट इज द सन बर्स्ट पैटर्न। ये और भी ट्यूमर्स में हो सकता है, सो ये पैटर्न आपको बताने चाहिए, खासतौर पर बोन ट्यूमर्स होते हैं। फिर आपको ये एक्सरे पे भी इसी तरह से सूरज की किरणें टाइप नजर आती है। फिर पेरिओस्टियल एलिवेशन, ठीक है, जहां पे हो रहा है इसके इर्द गिर्द जो पेरिओस्टियम है बोन की, वो थोड़ी ऊपर को उठ जाती है, वो जब ऊपर को उठ जाती है तो वहां पे एक ट्राइंगल से बनता है जो एग्जैक्ट ट्राइंगल नहीं होता, और बोन का जो बाहर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स, वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। सो एक कॉर्डमैन ट्राइंगल बनता है पेरिओस्टियल एलिवेशन के साथ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये, एक मिनट, इधर है कॉर्डमैन ट्राइंगल, दिस इज द कॉर्डमैन ट्राइंगल। अब यहाँ पे थोड़ी सी इधर इतना एग्जैक्ट साफ पता नहीं चल रहा, इधर अगर आप देखो ये जो पेरिओस्टियम है बोन के इर्द गिर्द की जो कवरिंग होती है थोड़ी सी साइड पे हो जाती है, जब वो हल्की सी उठ जाती है तो वहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल टाइप बन जाता है, बहुत छोटा सा, ठीक है, उसको कॉर्डमैन ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों पागल हुए होते हैं, जब दोनों पागल होते हैं तभी वो सन बर्स्ट पैटर्न बनेगा ना, कहीं पे बोन बन रही है कहीं पे नहीं बन रही, कहीं पे बन रही है कहीं पे नहीं बन रही, ठीक है, दोनों की एक्टिविटी नजर आएगी। और इसके अलावा पेरिओस्टियल ऑस्टियोसारकोमा, मतलब ऐसा लगता है जैसे एक जगह पे रुका हुआ है, कॉन्ड्रोमा जो है थोड़ा एक्सपैंड करता जाता। फिर इसके बॉर्डर जो है वो पूरी डिफाइंड होते हैं, जितने भी कैंसर होंगे सारकोमा, जितने भी मेलिग्नेंट कैंसर होंगे, वो उनका इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि उनकी जो बॉर्डर है ना वो डिफाइंड नहीं होंगे, कोई खास रिम नहीं होगा, जैसे आपने बाकियों में भी पढ़ा था कि इर्द गिर्द रिम है, यानी कि आपको पता चल रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा है पिराइन ट्यूमर्स में, यहाँ पे ट्यूमर खत्म हो रहा है, लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होंगे उनका कोई रिम नहीं होगा, वहां पे इस तरह से ग्रोथ हो रही होगी और आप एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकोगे कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट मींस कि पूरी डिफाइंड बॉर्डर एंड नो रिएक्टिव रिम, अक्सर जिसमें भी होगा ये वो मेलिग्नेंट होगा, चूंकि ऑस्टियोसारकोमा है दिस इज ऑलरेडी मेलिग्नेंट। फिर इसके अलावा हिस्टोलॉजिकली आपको क्या नजर आएगा, एटिपिकल सेल्स नजर आएंगे, एटिपिकल सेल्स आ गए हैं, मेलिग्नेंट स्पिंडल सेल्स होंगे, स्पिंडल शेप सेल्स होंगे, प्लियोमॉर्फिक मल्टीपल शेप के होंगे, और वो ऑस्टियोइड या बोन बना रहे होंगे, ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी करके निकाल दो या कीमोथेरेपी करो उसके बाद, ठीक है। ये आपको हिस्टोलॉजिकल पिक्चर दिखाई हुई है, ट्यूमर सेल्स एनाप्लास्टिक यानी कि उनकी जो डिफरेंशिएशन हो रही है वो सही तरह से नहीं हो रही, और ये आपको कॉर्डमैन ट्रायंगल ये नजर आ रहा है, दिस इज द कॉर्डमैन ट्रायंगल, पेरिओस्टियम थोड़ी सी एलिवेट हुई हुई है, और ये कुछ और है इसका सनबर्स्ट एग्जैक्टली नहीं है, सनबर्स्ट पैटर्न ये भी थोड़ी सी कॉर्डमैन ट्रायंगल नजर आ रहा है, सनबर्स्ट पैटर्न यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, मतलब बोन खाई जाती है, लिटिक इसमें ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोलिटिक दोनों लीजन्स होंगी, ठीक है, कहीं से खाई जा रही है कहीं बन रही है। ये सनबर्स्ट हल्का सा नजर आ रहा है, हल्की हल्की रेज नजर आ रही है, लेकिन ये फुल नहीं नजर आ रहा है, ये बड़ा क्लासिक नजर आता होता है, आगे शायद पिक्चर है मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल सूरज की किरणों की तरह का पार्ट नजर आता है। अच्छा, सनबर्स्ट पैटर्न है। अब हम बात करते हैं बोन ट्यूमर्स की, हमने बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट द कार्टिलेज ट्यूमर्स, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, कॉन्ड्रोमिक्जाइट फाइब्रोमा, ये सारे बिनाइन है, और कॉन्ड्रोसारकोमा इज मेलिग्नेंट। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा के अंदर एक फिनोमिनन होता है, कहते हैं एग्जॉस्टोसिस, ये बिनाइन ट्यूमर है जहां पे कार्टिलेज बन रही होती है, बोन बनाती है जहां पे नहीं, व्हिच इज मेटाफिसियल रीजन, जहां पे ग्रोइंग प्लेट होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज एपिफिसिस, ये एंड है बोन का, ये डायफिसिस है, यहां पे जहां पे नई बोन बन रही होती है वहां पे मेटाफिसिस होता है, उसके साथ एपिफिसियल कार्टिलेज होता है। मेटाफिसिस वाला जो रीजन है, जब बोन पूरी बन चुकी होती है, बड़ा हो चुका होता है बच्चा, तो उसकी ये वाला जो रीजन है दैट इज इवेंचुअली रिड्यूस टू अ लाइन, वो शो करता है किसी जमाने में यहाँ पे बोन बन रही होती थी, तो मेटाफिसियल रीजन पे ये ट्यूमर होता है, और यहाँ पे एक आउटग्रोथ बनती है, बाहर को निकल जाती है बोन पूरी की पूरी, अलॉन्ग विद इट्स बोन मैरो, अपना बोन मैरो के साथ लेके जाता है वो, हल्का सा बोन का हिस्सा अलग बाहर को निकल जाता है, ऊपर कार्टिलेज होती है उसके, ठीक है। तो दैट पार्ट इज नोन एज एग्जॉस्टोसिस, तो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा के अंदर इस तरह से एग्जॉस्टोसिस नजर आएगा आपको। फिर एपिडेमियोलॉजिकली सबसे ज्यादा बिनाइन बोन ट्यूमर ये है, मेल्स में ज्यादा होता है और यंग पेशेंट्स में ज्यादा होता है। क्लिनिकली आपको हल्का सा
मैस नजर आएगा जो बोन के एंड से निकला होगा बाहर को, ठीक है, वो मैस हिल नहीं सकेगा, वहीं पे मौजूद होगा, सख्त होगा लेकिन वहां पे पेन चेंज नहीं होगी। हिस्टोलॉजिकली आपको ग्रोथ प्लेट की तरह, मतलब न्यूली डिवाइडिंग बोन सेल्स की तरह का नजर आता है। रेयरली ये मैलिग्नेंट भी बन सकता है, कॉन्ड्रोसार्कोमा भी बन सकता है। ट्रीटमेंट इसका ये है कि आप इसका, अगर कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे, कोई ज्यादा मसला नहीं हो रहा है इंसान को, तो देखते रहो, अगर सिम्टम्स नजर आना शुरू हो तो उसको निकाल दो, बिकॉज फिर डर होगा कि वो जो है ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर बन सकता है, ठीक है। सो ये कार्टिलेज सेल्स इस तरह से नजर आते हैं हिस्टोलॉजिकली माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसका ये अगर आप देखो एक अजीब सी ग्रोथ निकल के बाहर का निकली हुई है, और इसके अंदर आपको हिस्टोलॉजिकली माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे नजर आ रहा है। सो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा बोनी एग्जॉस्टोसिस है, ठीक है। हाइलिन कैप होती है, ये जो कैप होती है इसकी, इस सार्कोमा इस एग्जॉस्टोसिस की, ये हाइलिन कार्टिलेज होती है यहाँ पे, ठीक है। और बस इतनी बात काफी अतरा, इस तरह से आपको एक्सरे पे नजर आएगा बिल्कुल साफ अलग से। कॉन्ड्रोमा, अब कॉन्ड्रोमा एक और टाइप ऑफ ट्यूमर है जो कि कार्टिलेज का ट्यूमर है। इसके दो टाइप्स हैं, एक्स्ट्रा स्केल्टल और एंड कॉन्ड्रोमा, यानी स्केल्टल से बाहर भी कार्टिलेज का ट्यूमर बन सकता है, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा स्केल्टल कॉन्ड्रोमा कहते हैं। इसके अंदर भी हाइलिन कार्टिलेज होती है, अगर बहुत सारे कॉन्ड्रोमास मिल जाए स्केल्टल के अंदर, बहुत ज्यादा हो, मल्टीपल जगह बने हुए हों, तो उसको ऑलियर्स डिजीज कहते हैं। और एक और चीज है मेफूसी सिंड्रोम। मेफूसी सिंड्रोम उसको कहते हैं जब कॉन्ड्रोमा के साथ हेमेंजियोमा भी बन जाए। हेमेंजियोमा आपने किया होगा, इट इज अ ट्यूमर ऑफ द कैपिलरीज, या आपने बिनाइन ट्यूमर किया था इन योर वेसल्स वाला पार्ट। सो ये अगर कैपिलरी का ट्यूमर भी हो साथ कॉन्ड्रोमा का ट्यूमर भी हो, तो एक सिंड्रोम बनता है जिसके अंदर दो डिजीजेस इकट्ठी आ जाती है, व्हिच इज मेफूसी सिंड्रोम। अच्छा, अक्सर ये हैंड और फीट की लॉन्ग बोन्स के अंदर होता है। हैंड का सबसे कॉमन ट्यूमर कॉन्ड्रोमा है। अगर आप एक्सरे के अंदर देखो तो इसके अंदर आपको रिंग्स और आर्क्स बनी हुई नजर आएंगी, या पॉपकॉर्न शेप या स्नोफ्लेक शेप, स्टिपल्ड अपीयरेंस होगी। स्टिपल्ड का मतलब जिसपे डॉट 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 से ऑर्नामेंटेड अपीयरेंस हो, ठीक है, डॉटेड। और इसके अंदर सेंटर में कैल्सिफिकेशन हो रही होगी बोन के अंदर, ठीक है, मेडुला के अंदर। और कॉर्टेक्स यानी कि ये बोन के अंदर वाले पार्ट पे होगा, ये बाहर बोन की जो लेयर है छोटी सी बाहर वाली लेयर, उसके अंदर नहीं जाएगा। अक्सर ये पता नहीं चलता एक्सरे करते करते एकदम गलती से नजर आता है कि ये क्या बन रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बिनाइन ट्यूमर है, कोई मसला तो करता नहीं है, तो एक्सरे के अंदर गलती से नजर आ जाएगा, इंसिडेंटली नजर आएगा। ट्रीटमेंट इसकी है कि ऑब्जर्वेशन, आपने उसको देखना है। हिस्टोलॉजिकली आपको ब्लैंड सेल्स नजर आएंगे, नो एडिमिया। व्हाट आर ब्लैंड सेल्स? ब्लैंड का मतलब होता है अनइवेंटफुल, कोई चीज हो, मतलब डल सी। तो जब हिस्टोलॉजिकली हम बात करते हैं ब्लैंड सेल्स की, तो ब्लैंड का मतलब होता है ऐसे सेल्स जो बाकी जैसे नजर आ रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल सेल्स है, यानी कि कोई खास इसके अंदर डिफरेंस, इन सेल्स के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं नजर आता, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर है। अगर इसके सिम्टम्स आने शुरू हो, अगर ये पेनफुल हो जाए, तो इसको निकाल दिया जाए, ठीक है। कभी कभार ये मैलिग्नेंटली कॉन्ड्रोसार्कोमा भी बन सकता है, ठीक है। सो ये बोन की, सर ये बताइएगा ऑलियर्स डिजीज का बताइएगा बेटा। ऑलियर्स डिजीज उस वक्त जब बॉडी में एक से ज्यादा एनकॉन्ड्रोमास है, यानी कि कार्टिलेज जहां पे बोन की है एक से ज्यादा अगर एनकॉन्ड्रोमास है, तो उसको ऑलियर्स डिजीज कहेंगे। अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू। तो आपको क्या दिखाना था मैंने, अच्छा ये ठीक है, ये आपका एक छोटा सा पॉपकॉर्न टाइप बन रही है अंदर चीज, ठीक है, या रिंग या आर्क इसकी नजर आ रही है, ठीक है। और अगर आप इसको देखो यहाँ पे, ये लॉन्ग बोन ऑफ हैंड, हैंड का ट्यूमर है, और ये एक छोटा सा पॉपकॉर्न टाइप चीज आपको नजर आ रही है, विच इज कॉन्ड्रोमा, ठीक है। अगेन एक और पिक्चर दिखाई हुई है, एक और एक्सरे पे आपको दिखाया हुआ है। अच्छा, देन वी हैव कॉन्ड्रोब्लास्टोमा, बहुत रेयर है, अगेन टीनेजर्स, मेल टीनेजर्स में ज्यादा, नीज पे जाके ज्यादा होता है, एपिफिजियल पोर्शन ऑफ बोन पे, एंड्स ऑफ बोन पे, और इसके अंदर कॉन्ड्रोमा के मुकाबले में ज्यादा मैट्रिक्स नहीं होता। मैट्रिक्स वो जो बोन का एज गिर्द का कनेक्टिव टिश्यू है वो कम होता है, बाकी एरिया जो है वो, मतलब ये है इस बात का कि जब आप इसको काट के देखेंगे ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इसके अंदर बोन सेल्स भी होंगे और इसके एज गिर्द का कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, और काफी ज्यादा होगा। इसके अंदर एज गिर्द का कनेक्टिव टिश्यू कम होता है, कार्टिलेज सेल्स ज्यादा होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और है कॉन्ड्रोमिक्सॉइड फाइब्रोमा। अब आप कुछ ट्यूमर्स पढ़ोगे जिनके अंदर ये वर्ड आएगा मिक्सॉइड। जो वर्ड मिक्सॉइड है ना, इसका मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इस स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं ना, देखते हैं ना माइक्रोस्कोप के नीचे रखे, तो ये आपको ज्यादा ब्लू रंग का नजर आता है। ये ब्लू रंग ऐसे होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ खास केमिकल्स, कुछ खास मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर गैग्स होते हैं या इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस कनेक्टिव टिश्यू में ज्यादा होते हैं। सो अक्सर ट्यूमर में इस तरह कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है, ठीक है। सो ये सबसे रेयर होता है अगेन मेल टीन्स में,
और मिक्सॉइड का कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया, और एटिपिकल होता है क्योंकि इसके अंदर सेल्स जो है वो हल्के हल्के खराब होना शुरू हो रहे होते हैं, ठीक है, फाइब्रस मटेरियल ज्यादा होता है। तो ये अगर आप इसको देखो तो ये कार्टिलेज के इर्द गिर्द जो कनेक्टिव टिश्यू है ये ज्यादा उसका ट्यूमर है। फिर अब आ गया मैलिग्नेंट ट्यूमर, वेरी इंपॉर्टेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर आपको एक एक ही मिल रहा है तकरीबन बोन में भी और इधर भी, तो इसको जरूर गौर से देखिएगा। कॉन्ड्रोसार्कोमा, ये मैलिग्नेंट कार्टिलेज का ट्यूमर स्लो ग्रोइंग है और एक्सियल या सेंट्रल स्केलेटन पे ज्यादा इफेक्ट करता है और मेटाफिजियल रीजन में होता है। अगर एक्सियल सेंट्रल स्केलेटन में ना हो तो फिर बाकी लॉन्ग बोन्स के मेटाफिजियल रीजन में होता है और मेडुला में होता है, यानी कि बोन के अंदर वाले हिस्से में, बाहर नहीं जाता। ओल्डर पेशेंट्स में ज्यादा होता है 60 ईयर से ऊपर, और बोन की लिटिक चेंजेस इसके अंदर होती है, ठीक है, यानी कि बोन खाई जाती है और स्टिपल पैटर्न मतलब उसके ऊपर डॉट 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 से नजर आएंगे। एंड कॉर्टिकल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि बोन का बाहर वाला पार्ट हल्का हल्का इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन स्कैटर्ड कैल्सिफिकेशन हल्की हल्की आपको कैल्सिफाइड डॉट्स नजर आ रहे हैं, जो डॉट्स बनते हैं स्टिपल जो पैटर्न बनता है वो इसलिए क्योंकि हल्की हल्की कहीं पे कैल्शियम डिपॉजिट्स हो रहे हैं। हिस्टोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो सेल्स इंक्रीज हो चुके होंगे और इसको सर्जरी करके रिमूव करना पड़ता है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन का इस पर कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज अ लिटिक ग्लियन, ये कॉन्ड्रोसार्कोमा आपको दिखाया हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब बोन के फाइब्रस ट्यूमर्स, जो कि यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का ज्यादा पार्ट आ जाता है, इसके अंदर फाइब्रस कॉर्टिकल डिफेक्ट, नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रोमा आता है, फाइब्रस डिस्प्लेजिया आ जाता है, फाइब्रोसार्कोमा, दिस इज द मैलिग्नेंट वन। बाकी सारे के सारे अभी नॉन मैलिग्नेंट थे, यानी कि बिनाइन थे। ये वाला जो है मैलिग्नेंट और बिनाइन के बीच में है। तो फाइब्रस डिस्प्लेजिया इज बिनाइन ट्यूमर, इसकी तीन टाइप्स होती है, सिंगल बोन और मल्टीपल बोन्स के साथ, और एक और टाइप होती है मल्टीपल बोन्स और उसके साथ और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स और कुछ और सिंड्रोम्स होते हैं उनके साथ मिला हुआ होता है ये, और ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिनकी प्यूबर्टी जो जल्दी रीच कर जाते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रैपिड डेवलपमेंट ऑफ देयर हार्मोन्स, ठीक है, वो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से होती है, तो उस बीमारी के साथ भी ये ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। फाइब्रस डिस्प्लेजिया में ऑस्टियोब्लास्टिक रिमिंग नहीं होगी, मतलब ज्यादातर लिटिक लीन होगी और हल्की हल्की कर्व्स नजर आएंगी इसके अंदर आपको बोन की फॉर्म, इस बोन फॉर्मेशन की, ठीक है, पूरे रिमिंग पूरी गोल रिम नहीं नजर आएगा। फाइब्रोसार्कोमा मेटाफिसिस वाले एरिया में होता है, ज्यादातर फ्लैट पेल्विक बोन्स में होता है, अगेन इसमें लिटिक लीन ज्यादा होती है और ये फ्रैक्चर कॉज कर देता है फटाफट जिस बोन का भी हो जाए, और फिर इवेंचुअली इसका मेटास्टेसिस होता है जो फिर पूरी बॉडी में फैलता है। इसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, जो फाइब्रस टिश्यू ट्यूमर्स है ना इनके, इनको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा बोन फॉर्मिंग पे और कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। और इसके बाद आगे एक और आ रहा है जिसमें मैं आपका ज्यादा ट्यूमर ज्यादा फोकस करवाऊंगा, उस पर आप देखना उसको गौर से। हाँ, अब ये जो मिसेलेनियस ट्यूमर है ना, इसमें ईविंग सार्कोमा जो है, ये ईविंग सार्कोमा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कीजिएगा। इसका दूसरा नाम है प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर, क्योंकि ये जब न्यूरो एक्टोडर्म बन रही होती है इन द बेबी तो उस वक्त से ये इसका ओरिजिन उन सेल्स में इनका ओरिजिन होता है, और जॉइंट सेल ट्यूमर एक होता है, और फिर ऑब्वियसली मेटास्टेसिस करके जो ट्यूमर आ रहे हैं बोन के अंदर वो, ठीक है। सो फाइब्रस ट्यूमर्स पे हमने ज्यादा फोकस नहीं किया, इसको आप कम फोकस करें इसके ऊपर, ईविंग सार्कोमा पे ज्यादा फोकस करें और बाकी आगे जो उनसे भी ट्यूमर्स के ऊपर आपने फोकस करना है। सो ईविंग सार्कोमा में क्या होता है, ईविंग सार्कोमा में एक तो ये स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स नजर आते हैं, ब्लू सेल्स पूरी तरह डिफरेंशिएट नहीं होते, मतलब उनके अंदर जो उनके ऑर्गेनेल्स वगैरह है वो सारे प्रॉपर सेल की तरह अरेंज नहीं हुए होते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन सेल ओरिजिन है इसका, ठीक है, और जैसे भी आपको ये बताया था ये जो प्रिमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर है, तो जो सेल्स इवेंचुअली आगे जाके न्यूरो एंडोक्राइन या एंडोक्राइन सेल्स बनाते हैं वो जब बचपन में जौन सेल्स जो होते हैं उन सेल्स के अंदर ये ओरिजिनेट करता है, ठीक है, वो ब्लू से ब्लूइश से बन जाते हैं, और फिर ये डायफिजिकल डायफिसिस या मेटाफिसिस और डायफिसिस जहाँ पे मिलते हैं, यानी कि एंड ऑफ बोन के पास, तो डायफिसिस एंड ऑफ बोन इज एपिफिसिस, मेटाफिसिस एंड से थोड़ा ऊपर है और डायफिसिस इज शाफ्ट, तो जो सेंटर है बोन का, जो शाफ्ट है बोन की वहां पे और या शाफ्ट के थोड़ा सा नीचे करके, वो ज्यादातर उस एरिया को इन्वॉल्व करता है ये वाला सार्कोमा। फिर ये मेडुला के अंदर ज्यादा होता है, यानी कि कॉर्टेक्स बाहर वाले एरिया पे कम, अंदर वाले एरिया पे ज्यादा, और क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के वजह से इसका पीछे जो जेनेटिक इसका ओरिजिन है वो क्रोमोसोम एक का कुछ हिस्सा, मतलब 11th क्रोमोसोम 22nd क्रोमोसोम, देयर आर 23 क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड जो नंबर है हमारा वो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं हर साइड से जो आते हैं, और टोटल 46 होते हैं, लेकिन जो इसमें जो 11th क्रोमोसोम का पेयर है उसका कुछ हिस्सा टूट के 22nd क्रोमोसोम के ऊपर आके लग जाता है, विच इज नोन एज क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन या T1122 ट्रांसलोकेशन, उसकी वजह से फिर ये सेल्स जो हैं, चूंकि ये
मतलब इसका ओरिजिन उन सेल्स का उन सेल्स में ओरिजिनेट कर रहा है, यानी ये बचपन में हो रहा है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि जब कोई चीज जेनेटिकली होती है तो वो जल्दी नजर आना शुरू होती है. तो आपकी क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन हो रही है उसकी वजह से, और किन सेल्स की हो रही है, न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये जल्दी नजर आना शुरू होता है. टीन्स में नजर आता है, छोटे बच्चों में, 15 साल से कम के बच्चे, एंड अगेन मेल में ज्यादा कॉमन होता है, और बच्चों में सेकेंड मोस्ट कॉमन बोन मैलिग्नेंसी इज यूइंग सार्कोमा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों में ये वाला एक सार्कोमा हो सकता है, एंड ये इसका मैकेनिज्म है. अच्छा, क्लिनिकली अगर आप इनकी लैब रिपोर्ट देखेंगे तो WBCs इंक्रीज हुए होंगे, ESR इनका इंक्रीज हुआ होगा, और आपको लगेगा जैसे बोन में ना इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं होगा एक्चुअली, वो एक्चुअली ट्यूमर होगा. फिर उसके बाद रेडियोलॉजिकली अगर आप देखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सरे पे आपको अनियन स्किन अपीयरेंस नजर आएगी. अनियन स्किन, जैसे अनियन को काटते हैं आप तो उसके अंदर लेयर्स 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 नजर आती हैं, तो इस तरह से आपको मुख्तलिफ लेयर्स बनी हुई नजर आएंगी. तो लेयर्ड पेरिओस्टियल रिएक्शन जिसे कहते हैं. कभी कभार कॉर्डमैन ट्रायंगल इसके अंदर आ सकता है. कॉर्डमैन ट्रायंगल इज पेरिओस्टियल एलिवेशन, यानी कि बोन के ऊपर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा एलिवेट हो सकता है, और ये फीमर, इलियम, ह्यूमरस और टीबिया में ज्यादा होता है. हिस्टोलॉजिकली आपको बताया था स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स नजर आते हैं, कोई एटिपिया नहीं होता, लेकिन हल्का हल्का लिम्फोमा से मिलता जुलता था. लिम्फोमा इज अ ट्यूमर ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है, जिसके अंदर बी सेल, टी सेल वगैरह होते हैं. और ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड कर देता है, लेकिन साथ रेडियोथेरेपी भी करो तो उसके बाद ये ठीक हो जाता है. अच्छा, अब ये रेडियोलॉजिकली अनियन स्किन लेयर कैसे नजर आती है, ये देख लो, ये लेयर्स 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 जिस तरह अनियन की स्किन है उस तरह नजर आ रही होती है. इसको लैमेलेटेड यानी कि लेयर्ड पेरिओस्टियल रिएक्शन कहते हैं. नई बोन नहीं बनती, वहीं पे लेयर्स बननी शुरू होती है. लगता ये है कि ऑस्टियोमेलाइटिस है, लेकिन होता ऑस्टियोमेलाइटिस नहीं है. बोन स्कैन करके आपको पता चलता है, बोन स्कैन में पूरी बॉडी की बोन्स देखते हैं कहीं और तो नहीं मेटास्टेसिस हो रहा. और इसके अलावा और अगर आप लैब टेस्ट्स करें तो उसके अंदर एक एंजाइम होता है पैस और डायस्टेज. डायस्टेज एंजाइम अगर आपको नजर आया पैस पॉजिटिव हो और साथ में आपको ये चीजें नजर आ रही हो एक्सरे पे, तो आपको शक जाना चाहिए कि दिस इज एन यूइंग सार्कोमा. अनियन स्किन उसकी सार्कोमा होती है. छोटे ब्लू 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 से सेल्स होते हैं उसके अंदर नजर आ रहे हैं, आपको याद कराने के लिए किया हुआ है. और 5 से 15 साल के बच्चे, छोटे बच्चों में आपको नजर आता है. क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इसकी याद रखनी है आपने, 11 से 22. और अनियन स्किन अपीयरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात इसके अंदर, ठीक है. अगर आप इसको देखो सनबर्स पैटर्न, आपको ये जो सूरज की किरणें हैं वो ऑस्टियोसार्कोमा में नजर आता है. लैमेलेटेड या अनियन स्किन अपीयरेंस जो है वो यूइंग सार्कोमा में नजर आती है, ठीक है, ये देख लेना अच्छी तरह से. और कॉर्डमैन ट्रायंगल दोनों में नजर आता है, ठीक है. ये आपको नजर आ रही है सनबर्स पैटर्न, ठीक है, सूरज की किरणों की तरह का. अब आगे जॉइंट सेल ट्यूमर. जॉइंट सेल ट्यूमर को ऑस्टियोक्लास्टोमा भी कहते हैं. ऑस्टियोक्लास्ट की तरह के सेल्स का ट्यूमर होता है ये, एपिफिसिस से ज्यादा निकलता है और नी के पास, और ज्यादातर बिनाइन होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट मेलिग्नेंट भी हो सकता है. और जब ये मेलिग्नेंट हो जाते हैं तो ये पूरा मेटास्टेसिस होकर लंग्स तक पहुंच जाता है, और 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज में ज्यादातर होता है. इसमें पेन होती है और स्वेलिंग हो जाती है, पेन इसमें नजर महसूस होती है पेशेंट को. और रेडियोलॉजिकली सोप के बबल की तरह अपीयरेंस बनती है इसकी, ठीक है. और हिस्टोलॉजिकली कोई एटिपिकल सेल्स नहीं होते क्योंकि बिनाइन होता रहता है. जॉइंट सेल्स अक्सर नजर आते हैं जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ओवल शेप न्यूक्लियाई होते हैं और एलोंगेटेड सेल्स होते हैं. और इसको आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे बोन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे सीमेंट कर सकते हैं दूसरी बोन, और इसको निकाल भी सकते हैं. इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि ट्रीटमेंट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं और इनकी आगे डिटेल आपको अलग से कभी पढ़ाई जाएगी, ठीक है. और एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है डेनोसुमैब, ये आप दे सकते हैं, विच इज टाइप ऑफ क्या उसे कहते हैं, आप इसको अपने उसमें पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे. इसका मैकेनिज्म है रैंक लाइगेंड इनहिबिटर. रैंक लाइगेंड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन जिसको ये इनहिबिट करती है, उसकी वजह से फिर ये ठीक हो जाता होता है. तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ये दवाई है और सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है. क्यूरेटाज का मतलब होता है हल्का सा निकालना उसको, सीमेंटेशन का मतलब है कि वहां पर दूसरी बोन लगाना, और इस तरह मुख्तलिफ रिजेक्शन का मतलब होता है निकालना. एनीवेज सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूमर ये लास्ट वाला है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा. ये बोन ट्यूमर है लेकिन हेमाटोपोइटिक ट्यूमर भी कंसिडर होता है. मल्टीपल माइलोमा से कहते हैं. माइलोमा का मतलब होता है कि ऐसा कैंसर जो बोन मैरो सेल्स के अंदर हो रहा है, और बोन मैरो सेल्स के अंदर जो प्लाज्मा सेल्स हैं जो कि आगे बी सेल और टी सेल बनाते हैं, उनके अंदर उनके उन उन सेल्स का ये ट्यूमर है. और इसकी वजह से बोन मैरो के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स बनते हैं, हेमाटोपोइसिस पूरा हो रहा होता है वहां पे. तो माइलोमा कहीं भी हो सकता है जहां पे बोन हो, तो बोन वो पेल्विस की हो, स्पाइन की हो, रिब केज की हो, कहीं भी हो, तो माइलोमा हो सकता है वहां पे. अनलेस एज फार एज लॉन्ग एज
इट अकर्स इन द प्लाज्मा सेल्स. मल्टीपल माइलोमा का मतलब क्या होता है कि मल्टीपल सेल्स हैं, मल्टीपल जगहों पे डेवलप हो रहा है, मल्टीपल रीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसको मल्टीपल माइलोमा कहते हैं. ठीक है, सो ये एज ग्रुप 40 टू 60 इयर्स ओल्ड में होता है और ज्यादातर मेल्स में होता है. अगेन प्लाज्मा सेल्स माइलोमा मैलिग्नेंट बन जाती है, नॉर्मल सेल प्रोडक्शन को खराब कर देते हैं और नॉर्मल टिश्यू खराब कर देते हैं. उसकी वजह से पेन होती है, बोन स्वोलन हो जाती है, जॉइंट्स टेंडर हो जाते हैं, हल्का हल्का फीवर और फटीग रहती है. ठीक है, पेन अब कहाँ कहाँ होगी, जहाँ जहाँ बोन्स इन्वॉल्व हो रही है, लोअर बैक, लॉन्ग बोन्स, रिब्स, फटीग, इन्फेक्शन हो रहे होंगे, फीवर होगा. इन्फेक्शन क्यों होगा, क्योंकि माइलोमा हो रहा है. माइलोमा का मतलब क्या है कि ब्लड सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है. जब ब्लड सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है तो इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स में टी सेल टी सेल बनाते हैं. जब इम्यूनिटी कम होगी तो इन्फेक्शन होंगे. फिर उसके अलावा फीवर, ब्लीडिंग, अगेन वो जहाँ पे खा रहा होता है. अच्छा, वो ट्यूमर्स के अंदर ना जब भी कैंसर होते हैं ब्लीडिंग भी अक्सर होती है. वो क्यों ब्लीडिंग होती है, जो नए सेल्स बन रहे होते हैं ना बेटा, जब नए सेल्स बन रहे होते हैं तो उन्हें खाना की जरूरत होती है. जब उनकी खाने की जरूरत होती है तो वहाँ पे वैस्कुलराइजेशन बहुत होती है, यानी वहाँ पे नई नई वेसल्स बन रही होती है. लेकिन चूंकि वो वेसल्स और जो ट्यूमर के सेल्स ग्रो कर रहे हैं उनका आपस में कोई मुताबिकत नहीं होता, क्योंकि बगैर किसी कंट्रोल के वो ग्रो कर रहे होते हैं ना. तो जब वो बगैर किसी कंट्रोल के ग्रो करते हैं तो वो फिर वेसल्स को भी डिस्ट्रक्ट करते हैं जो उनको ग्रो करने में हेल्प कर रही होती है. तो जब वो वेसल्स डिस्ट्रॉय होती है तो उसकी ब्लीडिंग भी होती है. फिर हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स होते हैं. क्यों, बोन खाई जा रही है, बोन खत्म हो रही है और वहां से कैल्शियम रिलीज हो रहा है ब्लड में, तो हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है. और हाइपरकैल्सीमिया में नौजिया होता है. फिर हाइपरविस्कोसिटी, यानी कि जो जो क्या उसे कहते हैं ब्लड है उसका विस्कस विस्कोसिटी ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से हेडेक ज्यादा होगी, न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स आएंगे और उसके अलावा ब्रूजिंग होगी वहां पे. ठीक है, और न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स क्यों होंगे, क्योंकि ये जब इवेंचुअली ये जब हाइपरविस्कस फ्लूइड या हाइपरविस्कस ब्लड जब जाता है जब वो वेसल्स के अंदर जाता है तो उन वेसल्स को ब्लॉक कर देता है. जब वो वेसल्स को ब्लॉक करता है तो जब वो ब्रेन को जहां पे वो जा रहा है जिन नर्व्स को वो जाके पहुंचा रहा है ब्लड, उन जगह पे ब्लड नहीं पहुंचेगा तो न्यूरोलॉजिक सिस्टम के सिम्टम्स आएंगे, यानी नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स आएंगे. ठीक है, और इसके अलावा ब्रूजिंग वगैरह क्यों होगी, क्योंकि जो ब्लड सेल्स हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं. ठीक है, और इसके अलावा और आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी नजर आ सकती है, न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स आ रहे हैं, मेनिनजाइटिस हो सकता है इसके अंदर. ठीक है, इवेंचुअली इन्फेक्शन से रिलेटेड. फिर उसके बाद मेनिनजाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिनजेस. अगेन दैट इज हैपनिंग बिकॉज इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, न्यूरोलॉजिकली जाके वहां पर इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया. तो मतलब इसके अंदर एक क्लासिक ट्रायड आपको मिलता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रायड है, मैरो प्लाज्मोसाइटोसिस. बोन मैरो के अंदर प्लाज्मा सेल्स ज्यादा हो रहे हैं, 10% ज्यादा, जितने होने चाहिए उससे ज्यादा हो रहे हैं. लिटिक बोन लियंस, बोन खाई जा रही है और कैल्शियम बाहर फेंकी जा रही है, तो वहां पर लिटिक बोन लियंस होंगी. और सीरम या यूरिन एम कंपोनेंट होता है माइलोमा प्रोटीन. ठीक है, ये प्रोटीन एक बननी शुरू होती है जब ये जो इस तरह के जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो सही तरह से प्लाज्मा सेल, अब देखो जब एक तरह से प्लाज्मा सेल सही तरह से रेगुलेट नहीं हो रहे, सेल्स बनी जा रहे हैं लेकिन वो पूरे डिफरेंशिएट नहीं हो रहे. ह्यूमन में यही होता है ना कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, मतलब ये इस बॉडी को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि वो जो प्लाज्मा सेल में बना रही हूँ वो अच्छा बना रही हूँ, पूरा प्रॉपर बना रही हूँ, आगे वो टी सेल और बी सेल बना सकता है या नहीं बना सकता, बॉडी को इससे कंसर्न नहीं है. बॉडी ने बस थोक के हिसाब से बनाई जा रहे हैं, फैक्ट्री ने बनाना शुरू कर देना है, और वो गलत बने सही बने तो उससे कोई इसको सरोकार नहीं है. तो उसके जो इस तरह के प्लाज्मा सेल्स जब बनने शुरू होते हैं तो उसकी वजह से एक प्रोटीन बॉडी में मुख्तलिफ टेस्ट उनको उस प्रोटीन को पिक करना शुरू करते हैं, उसे माइलोमा प्रोटीन या एम कंपोनेंट कहते हैं, विच इज बिकॉज ऑफ दीज प्लाज्मा अनडिफ्रेंशिएटेड प्लाज्मा सेल्स. तो वो सीरम में यानी कि ब्लड के अंदर भी नजर आ जाती है, ब्लड के साथ जो पार्ट होता है उसमें या यूरिन में, तो ब्लड टेस्ट में भी आपको एम कंपोनेंट मिल जाएगा, यूरिन टेस्ट में भी आपको एम कंपोनेंट मिल जाएगा, और ये तीनों चीजें क्लासिक ट्रायड बनाती है, इससे माइलोमा डायग्नोज हो जाता है. तो बेटा इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा. सो अगर इसके अंदर आपको बोन की लियंस नजर ना भी आए तो प्लाज्मोसाइटोसिस मिल रहा है और आपको एम कंपोनेंट ज्यादा होता जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि इसको मल्टीपल माइलोमा हो रहा है. ठीक है, सो ये अगर आपको दिखाई गई यहाँ पे मुख्तलिफ लिटिक लियंस हुई हुई है, यहाँ से बोन खाई गई इधर से खाई गई, ये मल्टीपल माइलोमा की लियंस है. और फिर इसके अलावा अगेन आपको मैंने बता दी थी बाकी जो ट्यूमर्स हैं, प्राइमरी बोन ट्यूमर्स अभी आपको बात कर ली है, मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर्स
ब्रेस्ट से आ सकते हैं, किडनी से, प्रोस्टेट से, एड्रिनल से, वगैरह वगैरह वगैरह। ब्रेस्ट से जो आते हैं मेटास्टेटिक ट्यूमर्स, जब आप उसे एक्सरे के अंदर देखोगे तो उसमें लिटिक और ब्लास्टिक दोनों लीजन्स होंगी, यानी बोन खाई भी जा रही होगी और नई भी बन रही होगी। किडनी में लिटिक लीजन्स होगी, किडनी वाला ट्यूमर अगर बोन में जाके चला जाए तो लिटिक लीजन्स करेगा, प्रोस्टेट वाला ट्यूमर जो ब्लास्टिक लीजन्स करेगा, एड्रिनल ग्लैंड से आने वाला ट्यूमर लिटिक लीजन्स करेगा, थायराइड से लिटिक, इंटेस्टाइन से लिटिक, लंग और लिवर कैंसर अगर फैल के बोन तक पहुंचे तो लिटिक लीजन्स करेगा, यूरिनरी ब्लैडर या यूट्रस का जो ट्यूमर है वो अगर जाके पहुंचे बोन तक तो वो भी लिटिक लीजन्स करेगा। इसके अलावा एक और टेट्राहेड है, मल्टीपल माइलोमा का एक ट्रायड है जिसमें तीन चीजें हैं, टेट्राहेड है जिसके अंदर चार चीजें, उससे भी मल्टीपल माइलोमा जो है वो डायग्नोज हो सकता है बड़ी आसानी से। उसको याद करने का तरीका क्या है, क्रैब। क्रैब का मतलब क्या होता है, कैल्शियम एलिवेट हो रही है, रीनल इंपेयरमेंट हो रही है, यानी कि अगर आप ब्लड टेस्ट करके देखोगे तो BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन इंक्रीज हुई होगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि कैल्शियम भी इंक्रीज हुई होगी और ये भी इंक्रीज हुआ होगा, और आपको एनीमिया नजर आएगा, HP हीमोग्लोबिन कम हुई होगी, और बोन में आपको पेन हो सकती है, लिटिक लीजन्स या फ्रैक्चर्स मिल सकते हैं बोन के। तो अगर ये चार चीजें होनी है, तीन चीजें लैब में और एक एक्सरे पे, ये चार चीजें आपको नजर आ रही है, क्रैप अगर आपका पूरा बन रहा है तो इसका मतलब है कि मल्टीपल माइलोमा है उसको, ठीक है। रेडियोग्राफी पे आपको क्या नजर आता है, जब भी मल्टीपल माइलोमा का शक हो जाए तो उसका पूरे का पूरे स्केलेटन, पूरे का पूरे स्केलेटन, सारी बोन्स का आपको एक्सरे करके देखना पड़ता है, ठीक है। और इसकी जो लिटिक लीजन्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ट्यूमर लोड के साथ, जितना ज्यादा ट्यूमर ज्यादा होता है, जितना ज्यादा कैंसरस ग्रोथ ज्यादा होती है, उतनी लिटिक लीजन्स ज्यादा होती जाएंगी। सो लीजन्स कैसी नजर आती है, राउंडेड पंच्ड आउट लीजन्स होती है, जैसे खा के किसी ने बाहर निकाल के पंच करके फेंक दिया। और जब इस तरह की लीजन्स इकट्ठी स्कल में होती है तो स्विस चीज अपीयरेंस होती है, और स्कल में ऑक्सीपिटल बोन जो है वो स्पेयर हो जाती है। तो उसके बाद इसके अंदर वर्टिब्रल बॉडीज के अंदर भी मल्टीपल लीजन्स आपको नजर आ सकती है, और ऑस्टियोपीनिया आता है। ऑस्टियोपीनिया का मतलब क्या है, पीनिया जहां पे वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होता है कम सेल्स। सो बोन सेल्स में वो कम होना शुरू हो जाते हैं, पेरिओस्टियल फॉर्मेशन नहीं होती, जो बोन के इर्द गिर्द की जो लेयर है पेरिओस्टियम वो कुछ नहीं करती, वो बिल्कुल सही रहती है, और ज्यादातर मेडुला यानी कि अंदर वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है, और उसके ऊपर जो एंड ऑस्टियल स्कैलपिंग है, स्कैलप का मतलब होता है कोई उसके ऊपर ऑर्नामेंट टाइप कुछ लगना। एक्चुअली अगला लेक्चर का टाइम हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा ठीक है, अब एंडोस्टियल स्कैलपिंग का मतलब कि जहां पे वो लीन बन रही है उसके ऊपर जो एंडोस्टियम इज अनदर टाइप ऑफ कवरिंग, एक कवरिंग होती है पेरिओस्टियम होती है बोन की, उसके बाद एंडोस्टियम होती है, उसके बाद बाकी बोन होती है, तो वो जो कवरिंग है बोन की वो उस लीन के ऊपर कवर कर रही होती है उसको। तो स्विस चीज अपीयरेंस आपको मैंने दिखाई थी, इस तरह से आपको प्लाज्मा सेल्स नजर आते हैं ब्लूइश कलर के हिस्टोलॉजिकली। सो ये स्विस चीज की तरह जो बीच में पंच आउट लीजन है वो यूं नजर आ रही होती है, और एंड ऑस्टियल स्कैलपिंग जो एंड ऑस्टियम है वो उसके इर्द गिर्द उसको कवर कर रही होती है, ठीक है। पेपर पॉट जैसे छोटे छोटे पेपर पॉट के अंदर सुराख होते हैं जिनसे अंदर पेपर निकल रही होती है, जैसे कि ये पिक्चर में नजर आ रहा है, इस तरह की आपको बोन नजर आएगी एक्सरे के अंदर, ठीक है। मेटास्टेसिस कहाँ पे पहुंचेगा, प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, किडनी, थायराइड, ब्लैंड के अंदर। तो फिर पूरा स्कैन करके देखते हैं, स्पेशल स्कैन होता है बोन का जिसके अंदर आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो रही है, कहाँ कहाँ लिटिक लीजन्स हो रही है, ठीक है। सो बोन मेटास्टेसिस में कौन कौन सी जगहों के ट्यूमर्स बोन में आके ग्रो कर सकते हैं, उसका तरीका है याद करने का, निमोनिक ये बोनी थिन लीन प्रोस्टिट्यूट्स कैन हैव TB, ओके। यानी कि बोन में थायराइड, लिम्फ नोड, प्रोस्टेट, टेस्टिस, ब्रेस्ट, ओवरी, किडनी, यहां से आने वाले कैंसर्स पहुंच के यहां पर ट्यूमर करवा सकते हैं बोन के अंदर, ठीक है। अच्छा, और कुछ करने वाली चीज यहाँ पे है, हाँ, लिटिक बोन लीजन्स, और इसके बाद लिटिक बोन लीजन्स को याद करने का निमोनिक किस किस ट्यूमर में या किस किस चीज में लिटिक लीजन्स होती है उसको याद करने का निमोनिक है फॉग मशीन्स, फाइब्रस डिस्प्लेजिया में, ऑस्टियोब्लास्टोमा में, जॉइंट सेल ट्यूमर में, मल्टीपल माइलोमा में, एनोरिजमल बोन सिस्ट में, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा में, हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में, हेमेंजियोमा में, इन्फेक्शन में, और NOF, आई डोंट नो दिस व्हाट दिस इज एग्जैक्टली, ईयोसिनोफिलिक ग्रैंडुलोमा में, एनकॉन्ड्रोमा में, आई हैव फॉरगॉटन इट, ठीक है। तो इसके अंदर जो है दिस इज काइंड ऑफ फाइब्रोमा,
ठीक है, फॉरगॉटन व्हाट इट इज, ठीक है, इयोसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा एंड कॉन्ड्रोमा और सिंपल बोन सिस्ट, इनके अंदर ये सब हो सकती है। आपने सिर्फ इसमें से वो याद करनी है लिटिक बोन लीनियंस जो यहाँ पे आपको बताई गई है। एनोरिजमल बोन सिस्ट नहीं पढ़ाया, एनओएफ नहीं पढ़ाया, इयोसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा नहीं पढ़ाया, एनकॉन्ड्रोमा पढ़ाया हुआ है, सिस्ट नहीं पढ़ाई हुई, और हाइपरपैराथायरायडिज्म नहीं अभी इस वक्त करवाया। तो जो चीजें नहीं करवाई हुई उनका आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि किसमें लाइसिस हो रहा है या नहीं हो रहा, बाकियों का आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है आपको अलग से दिखाई हुई है कि साइट ऑफ ओरिजिन के लिहाज से आप पढ़ लो कि एपिफिसिस में कौन कौन से हो रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्टोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा हो रहा है, मेटाफिसिस में ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, ब्लास्टोमा, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा हो रहा है, डायफिसिस में यूइंग सार्कोमा और मल्टीपल माइलोमा हो रहा है। अच्छा, पेरिओस्टियल रिएक्शंस, सॉलिड बोन ऐसी होती है अनियन पील अपीयरेंस हो तो यूइंग सार्कोमा में होता है, सनबर्न्स आपको ऑस्टियो सार्कोमा में बताया था, और कॉटमैन्स ट्रायंगल जो पेरिओस्टियल रिएक्शन हो रहा होता है वो उसके अंदर है। तो लेस मेलिग्नेंट से सॉलिड इस तरह नजर आ रही होती है, अगर अनियन पील हो तो ज्यादा मेलिग्नेंट है, सनबर्न्स है तो और मेलिग्नेंट, और अगर कॉटमैन ट्रायंगल नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि कैंसर हो गया है या काफी हद तक कैंसर होता जा रहा है, ठीक है। सो लेस मेलिग्नेंट टू मोर मेलिग्नेंट पेरिओस्टियल रिएक्शन आपको बताया मैं। फिर दिस इज द अनियन स्किन appearance which happens in kids जिनके अंदर Ewing sarcoma होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज अगर पूछने वाली है बेटा तो पूछ लीजिएगा मुझसे, I hope आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई है, जिन चीजों पर मैंने focus करवाया हुआ है उनके ऊपर ज्यादा focus कीजिएगा, ठीक है।